समय का सदुपयोग कोई हमसे सीखे सीखे हमसे। अब हेडिंग टूवर्ड्स क्या पेन वैली, पेन वैली गाजा हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। स्पीति वैली का आधा हिस्सा, आधा नहीं, 30% हिस्सा हम लोगों ने, हाँ स्पीति का दूसरा एरिया है। इसके बाद इसको घूमते हैं, इसके बाद धनकर मॉनेस्ट्री घूमते हैं, इसके बाद फिर धरी है वापसी। और क्या ये देखो पिन वैली का रास्ता, चला जाए इसी रास्ते ना, जय बोले। पिन वैली की तरफ हमारे को भी ले चलो तो प्लीज। कहाँ तक जाना, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, सगनम तक जाना है। दो लोग आओगे, कितनी दूर होगा यहाँ से? हाँ जी कितनी दूर, हम बताएंगे आप लोगों को। उधर उधर से बैठ जाओ। हाय इसको साइड कर दीजिए। अच्छा थोड़ा सीट आ जाओ, ये तो ये थोड़ा सा नीचे बड़ा बड़ा है, इसको आप साइड कर दीजिए। कोई बात नहीं, पीछे कुछ बैठता नहीं ना कोई। हाँ जी हाँ जी, कहाँ जाना चाहिए आप बता दो। लास्ट गांव पिन वैली का बूथ है जी, सारे टूरिस्ट। सबसे सुंदर कहाँ दिखेगा वही बता दो। बस यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ जैसे पिन वैली का गांव शुरू हो जाता है ना, हाँ। वहीं से सुंदर ही सुंदर नजर आते रहेगा। नहीं ऐसे तो हर जगह हम लोग, हमारे को तो सुंदर नहीं लगता है। समझ रहे, समझ समझ, हमें तो सुंदर लगता ही नहीं है। आपके लिए है मुश्किल भी तो है, हम तंग आ गए गंजे पहाड़ों को देख के। सही बात, आपको तो ग्रीनरी अच्छी लगती होगी। आप क्या स्कूल में टीचर ना? स्कूल में। बहुत अच्छा। ये बगल में हमारे पिन रिवर बह रही है और ये वैली थोड़ी डिफरेंट है, मेन स्ट्रीम सतलुज रिवर वाली वैली से अलग है। अभी तो आगे बहुत सारे गांव मिलेंगे, उम्मीद गांव हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए आज का। देखते हैं वहां से पिन पार्वती भी दिखती है, लोग बोल रहे हैं, लोकल लोग बैठे हमारी गाड़ी में। भाई काम करते चलो, मदद करते चलो, जहाँ हो पाए व्हेरेवर पॉसिबल। जरूरी है बहुत पास आ गए। नाकू पहुंच जाए तो सही है भाई, आज ना जी पहुंच जाएंगे आराम से, डंकर जाके भी शाम को स्टे करना है ना। आराम से छिदांग, ये गांव है, ऊपर भी दो चार घर हैं। पिन वैली पहला गांव, तब से कितना आए होंगे हम लोग, करीब 20 आए होंगे क्या, 20 आए होंगे, 20 आए होंगे, 20 कभी आए होंगे। गाजा से नहीं, वो पुल से जहाँ से आप मिले थे। अच्छा पुल से तो यहाँ पर कितना, 15 10 करियो, ओ भाई साहब 20 तो होगा। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, हेलीपैड भी है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर। ये पिन वैली का सबसे यानी सबसे बड़ा गांव है ये। अच्छा सुगनम, ये जो गांव है ना सगनम गांव, से आगे को जाना पड़ेगा। अच्छा इधर से आगे जाना अंदर, अच्छा पुल तक तो हम दोनों भी आएंगे, पुल के बाद आप लोगों को बार बार से बस वो सगनम के गांव के ऊपर से जाना पड़ेगा। पहाड़ काटा गया है, एक लेयर ऊपर थी पूरी गायब। कैसे पहाड़ अलग से ना अलग है, छोटे में ही बर्फ पड़ी है, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं दिख रहे हैं। एक आध डोगरी टाइप के मिलेंगे जिसके खेत है उनकी डोगरी होंगी, अदरवाइज जैसे कुछ भी जैसे जानवर नेशनल पार्क खुल के वहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा।
कि आप लोगों को तेंदुआ है या ऐसे कुछ भी नहीं है। भालू आगे पूरा टेंट चला भालू निकलता है सुना भालू की डोकरियों में अंदर घुस के काफी नुकसान किया भालू होते ही है। पिन वैली का ब्रिज सब आ रहे हैं एक एक को एक अलग वीडियो में से ब्रिज आएंगे सारे बहुत ब्रिजेस हैं। दो तीन दिन लगेंगे भाई नींद आ रही है यार अब नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ ना इधर पार वाले गांव में जाना पड़ेगा मुझे यहाँ मुड़ना आगे। हाँ जी मैं इधर मैडम बताएंगे आपको ना यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट जाने के लिए तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ मैं यहीं पर यहीं रोक दो जी। अच्छा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है पूरा ग्लेशियर पड़ा है बह जाए कभी भी इतना गीला इतना भारी है ये वजन होगा भाई इसका सड़क पर एक्स्ट्रा वजन है समझ लो तो 3 ट्रक के बराबर पूरा पानी पड़ा हुआ है ना सब ये भाई ग्लेशियर है। मुद विलेज का रास्ता है ये 9 किलोमीटर कुछ और जाना है। ओ क्या मौसम है यार हम लोग का टाइम कितना सही था सब देखने को मिल गया। ये जमार है स्टार्ट और ये हवा देख अरे यार आगे कितना पास है पिन पार्वती पर्वत के खतरनाक इलाका है भाई साहब बड़े बड़े पहाड़ गिरे हैं डेथ जोन ब्रो डेथ जोन सरक जाए वाला है पहाड़ है एकदम ये देख कैसे बना है ओ भाई साहब ये लेक कैसे बना दिए हैं कि इधर से ना मोड़ लेना कोई लोग देखे पीछे पूरा ग्लेशियर है भाई ये गिट्टी का झरना है पूरा वो रोड अलग कहीं जा रही पता नहीं हम लोग को जाना नहीं है ना शायद भाई कैसे पानी बह रहा है नीचे की तरफ फटाफट ओह यस चैम्बर मॉन्सर्स ASMR क्या जा रही टाइलिंग 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 सोल्स क्या population 200 souls अच्छा souls आत्माएं हैं 200 souls
भाई आत्माएं रह रही हैं यहाँ पर। सब गिट्टी वाले पूरा धूल धूल कर दिया उसके लिए बेचारे, खिड़की बंद करेगा अपनी तुरंत साले। कहाँ रैली कर रहे हो तुम लोग? रैली कार लेके तो मुझे रैली कार लगती है इंग्लिश। ये पिन वैली एकदम डिफरेंट है, सिर्फ बर्फ के पहाड़, कोई ऐसे नंगे वो खाली पहाड़ नहीं है, उस पर भी बर्फ लगी हुई है। इतना पास है ना, हम लोग बहुत कंजेस्टेड वैली में हैं, ऐसे काजा वगैरह बहुत वाइड वाइड वैली है, बहुत कंजेस्टेड वैली में भी यहाँ ऐसी बर्फीली हवा चलती होगी ना भाई, मोछा जम जाए हम लोग। सामने देखो ऐसे कितना कितना ज़्यादा बर्फ है उस वाले पे, उसके पीछे वाले पे। पूरा गर्दा उड़ा दिए पीछे हम लोग। एक वीडियो तो पीछे क्या नहीं चाहिए था अलग से। व्हाइट मिट्टी है, पक्का पत्थर गिरा है। ये वो विलेज एक पैसे पिक से नीचे बह रहा नाला बहकर तेजी से। चार तो रही गाड़ी पूछ ले गया चले मुद के लिए इधर से यही है, ये आखिरी है, इसके आगे कहीं नहीं जाते। अच्छा आगे कोई व्यू पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी रोक सके हम लोग थोड़ा देर है? ठीक आते जुले, आखिरी है मुझे ये समझे, पहुंच गया भैया वैली पिन वैली तारा सितारा। सब खाना वाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे तो वो है सींग है। अच्छे अच्छे हॉस्टेल क्या गजब, कहाँ रुका जाए हॉस्टेल में? नो रोड्स वाला आ गया सीन ना। गेट लगा है पिन वैली वाला, यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, वहाँ से स्टार्ट होती है जो पुल था अपना। अच्छा पिन वैली वाला ब्रिज, हाँ ये तो गांव के, ये तो गांव का वेलकम साइन। अच्छा अभी तो बहुत जाना भी है।